Study perfect knowledge is power. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्टडी परफेक्ट। दोस्तों आज का वीडियो तीन बड़ी खबर है दोस्तों, जिसमें से LDC फर्स्ट ग्रेड राजस्थान पुलिस SI की जो भर्ती आ रखी थी उसके रिलेटेड तीन बड़ी बड़ी खबर आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं आज की रिपोर्ट की तरफ। क्या ये रिपोर्ट आज की तरफ दोस्तों, फर्स्ट बात तो आपको सबको पता चल ही गया होगा दोस्तों, LDC जो भर्ती थी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, जिसमें से 36,000 विद्यार्थी सफल हुए हैं LDC के दूसरे चरण में, मतलब टाइपिंग के लिए 36,188 पद जो स्टूडेंट थे वो सेलेक्ट हो गए। अब इनकी अपन मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं दोस्तों, कट ऑफ कितनी रही है दोस्तों इसमें दोस्तों कट ऑफ ये पुरुष के लिए या महिला के लिए, जनरल के लिए 122.290 और महिला के लिए रही है 108। अब जो ST कैंडिडेट है SC के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, उसमें है 92.60 और महिला है तो 71.44, ST है 77.075 एंड 70.41 महिला के लिए। OBC के लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा गई है दोस्तों, क्योंकि OBC जनरल और OBC की लगभग 3 से 5 नंबर का गैप होता है हमेशा दोस्तों, हमेशा आता है ना, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, जनरल और OBC का हमेशा 3 से 5 लेवल का ही गैप होगा। तो दोस्तों OBC के लिए 115 और महिला OBC है तो 95। तो दोस्तों ये सब नॉमिनाइजेशन हुआ है, इसमें RPC ने जो 51 सवाल डिलीट किया है दोस्तों, जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें 8 पेपर हुए थे, 4 पारी में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 4 पारी में एक दिन में 2 बार हुए थे, इसमें टोटल मिला के 51 क्वेश्चन को तो डिलीट किया गया है। ये देखो साफ साफ लिखा है इधर, इसके अलावा 8 पेपर में 51 सवालों को डिलीट किया गया है दोस्तों। हमारे यहाँ एकदम लेटेस्ट और एकदम फैक्ट न्यूज़ आती है, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है दोस्तों, जो है वो आपके सामने है दोस्तों। ये दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं आराम से। तो सब जो नेक्स्ट लेवल में विद्यार्थी गए हैं उनका हमारा बहुत ही हम उसका बधाई देते हैं, आप हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, आप नेक्स्ट लेवल जाएं, उसको पास कीजिए, टाइपिंग के लिए जोर दीजिए दोस्तों, फुल टाइपिंग कीजिए, आप सब कुछ भूल जाइए 2 महीने। और दोस्तों इसका जो टाइपिंग जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ठीक इसके 2 महीने बाद में होगा दोस्तों, अभी से फुल तैयारी कर लीजिए स्टडी परफेक्ट के लिए। से आपके लिए बहुत ही हम आपको बहुत बधाई देते हैं, प्लीज़ आप टाइपिंग पे ज़्यादा जोर दीजिए, सब काम भूल जाइए, कोई एग्ज़ाम है तो मत दीजिए कोई भी एग्ज़ाम, बस आप इस पर सिर्फ जोर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है दोस्तों, समस्या समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा RPC। सबसे अच्छा दोस्तों ये निर्णय लिया गया अभी तक का, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। भर्तियों में आपत्ति है तो ना जाए कोर्ट, हमें बताइए। RPC एक नई एक सदस्य बनाई है दोस्तों, इसमें कि दोस्तों क्या होगा, हमारे जो दीपक अध्यक्ष हैं दीपक उत्तेपी ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें एक सदस्य होगा दोस्तों और एक लीगल अफसर होगा और एक सदस्य होंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो स्टूडेंट कोई भर्ती में आपत्ति है या कोई सवाल है या कैसे भी कोई भी ऐसी कोई बात है जो कोर्ट तक जाती है, तो RPC ने अभी कमेटी बनाई है, आप कोर्ट ना जाकर सबसे पहले हमारे पास आइए, हम उसका समस्या का आपका समाधान करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने, इससे क्या होता है दोस्तों, RPC जो छोटी मोटी समस्या है तो खुद ही सॉल्व कर देगा, ना कोर्ट में जाएगी भर्ती ना ज़्यादा लगेगा टाइम, इससे क्या होगा जल्दी जल्दी स्टूडेंट को जॉब मिलेगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी लेवल होगा और सब शांति से काम हो सकता है दोस्तों। ये एक कमेटी बनाई गई है और इसमें एक और भी बनाई है दोस्तों, जो फार्म से रिलेटेड जो आने वाली समस्या है उसका भी समाधान के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों को RPC के साइड में जाना चाहिए दोस्तों, RPSC साइड में जाइए, इसमें पूरा रिव्यू देखिए दोस्तों। और नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने हेडमास्टर एंड SI भर्ती का
एग्ज़ाम दिया था, 7 दिन बाद में उसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। करीब 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं, इन पैसों का एग्ज़ाम दिया था इन्होंने। तो दोस्तों ये परिणाम जल्दी आने वाला है दोस्तों, सबसे अच्छी खबर ये है दोस्तों। परिणाम के लिए तैयारी काम का शुरू हो गया है दोस्तों, अगले 7 दिनों में परिणाम जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। ये 3 आज की बहुत बड़े न्यूज़ थी दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और हमारे यहाँ विरासत पटवारी के लिए भी कोर्स चल रहा है दोस्तों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।